हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंदिनीज किचन। आज हमने बनाया है पनीर कोल्हापुरी। इसमें जो हमने कोल्हापुरी मसाला बनाया है वो बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही स्पाइसी है। और इस मसाले को आप दूसरी सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं या इसे स्टोर करके जब आप दोबारा इसकी सब्जी बनाए तब भी यूज कर सकते हैं। तो आप भी इसे जरूर बनाइए, बहुत ही चटपटी और एकदम टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं पनीर कोल्हापुरी। पनीर कोल्हापुरी बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम इसका कोल्हापुरी मसाला। इसके लिए मैं पैन में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया, 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 टीस्पून जितनी सौंफ और उसके साथ ही ये 10 से 12 काली मिर्ची साबुत और 5 लौंग और 2 लाल मिर्ची और ये दालचीनी स्टिक्स, इन सबको हमें मिला के भून लेना है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी मसाला पसंद करते हैं तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्ची 1 और डाल सकते हैं। मैंने इसमें अभी 2 ही डाली है और ये थोड़ा स्पाइसी वाली है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना नारियल, जो सूखा नारियल होता है जिसे हम गट भी बोलते हैं, तो उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अगर ये आपके पास में नहीं है तो आप जो नारियल का चूरा आता है वो डाल सकते हैं या फिर फ्रेश कोकोनट है तो उसको भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। इसे भी हम इसी में ही रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से भुन गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना तिल और 1 टेबल स्पून जितनी खसखस। ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। और फिर मैं इसे भी इसके साथ ही थोड़ा सा और भून लूंगी। ये मसाला अच्छे से भून चुका है, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसमें तिल के चटकने की भी आवाज आने लगी है, तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूंगी, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। भुना हुआ मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल करके और पीस लेंगे। हमें इसका दरदरा पाउडर बनाना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है। इसका मसाला पीस के तैयार है, इसका इस तरह का दरदरा मसाला बना है। हमें इसे बहुत बारीक नहीं करना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। आप इस मसाले को बहुत सारी सब्जियों में यूज कर सकते हैं, जो स्पाइसी सब्जी बनानी है या जिसमें कोई अच्छा सा टेस्ट देना है आप उसमें भी इस मसाले को डाल सकते हैं। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। इसमें मैं डालूंगी 1 तेज पत्ता और ये 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्ची जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छील के और स्लाइस कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज काटे हैं, इसे मैंने लंबा लंबा कट किया है। आप इसे कैसे भी रफली चॉप कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 काजू। मैंने यहाँ पर साबुत काजू डाले हैं, अगर आपके पास टुकड़े हैं तो आप 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा उसके टुकड़े डाल सकते हैं और अगर काजू नहीं है तो आप उसकी जगह पे मगजतरी के बीज भी डाल सकते हैं। और हमें इन प्याज को लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर, आप देख सकते हैं ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर, 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने कट करके इसमें डाला है। अब हम इसे भी इसमें पका लेंगे। फिर मैं इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड करूंगी और इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसकी भी हम प्यूरी बना लेंगे पीस के। मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून जितना घी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जितना कढ़ाई मसाला जो हमने अभी बना के रखा है। इसे हम घी में रोस्ट कर लेंगे और उसी में मैं डालूंगी पनीर। ये करीब 200 ग्राम जितना पनीर है।
इस पनीर को हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है इसमें। मैं ये इसी तरह से इसमें ऐड करती हूँ। आप चाहे तो आप इस ग्रेवी में प्लेन पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ में दूसरे गैस पे ये पनीर को इस तरह से इसमें हल्का सा सौते कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि पनीर का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो उसमें ये मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमने इस मसाले में नमक नहीं डाला हुआ है, तो हम इसमें डाल देते चुटकी भर जितना नमक, जिससे इसमें नमक का भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें पनीर को उलट पलट कर 2 से 3 मिनट तक हल्का हल्का टॉस कर लें। ये पनीर हो चुका है, सब्जी की ग्रेवी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल दूंगी। आप तेज पत्ता अगर इसमें पीसना चाहते हैं तो पीस सकते हैं, और निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मैंने इसे निकाल दिया है। फिर इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप जितना पानी, और हम ढक्कन लगाकर इसकी बारीक पेस्ट पीस लेंगे। इसकी एकदम फाइन ग्रेवी पीस के तैयार है। यहाँ पर हम वापस वही कढ़ाई यूज कर रहे हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना घी। यहाँ पर घी यूज किया है, आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं या बटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जितना जीरा। यहाँ पर जीरा क्रैकल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना पानी, और हम इसे पका लेंगे। इस तरह से पकाने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है और मसाले भी नहीं जलते हैं। अब इसमें पानी जल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रेवी बना के रखी है। यहाँ पर मैंने इसमें सारी ग्रेवी ऐड कर दी है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल रही हूँ हमने जो बना के रखा है ये कोल्हापुरी मसाला, ये मैं 2 टीस्पून जितना डाल रही हूँ। ये मैं अच्छे से 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी है, पर इस सब्जी में टेस्ट भी उसी का आता है, और ये थोड़ी स्पाइसी भी रहती है ये सब्जी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जितना और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जैसा टेस्ट चाहिए वो टेस्ट नहीं आया है अभी तक। उसके साथ ही मैं इसमें मिला रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले से, और हम इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक, जिससे इस पूरी ग्रेवी में ये मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। हमें इसमें धनिया पाउडर और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो ये कोल्हापुरी मसाला बनाया है उसमें सारा कुछ आ गया है। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी, इसे मैं हाथ से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, पर इससे भी इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ग्रेवी का कलर हो गया है। अब हमने जो पनीर टोस्ट करके रखे हैं हम उसे डाल देंगे इसमें। ये पनीर में इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ का जो मसाला और घी है वो भी हम इसी में डाल देंगे। इस मसाले में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इस घी में भी, तो हम इसे इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये हमारी पनीर कोल्हापुरी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। सब्जी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में लेंगे। मैं इसे इतना ही थिक रखती हूँ। आप इसे अगर थोड़ा सा ग्रेवी को पतला करना चाहे तो आप इसे पतला कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, 1/4 कप जितना। अब हम इस सब्जी को सर्विंग बाउल में लेंगे। हमारा पनीर कोल्हापुरी बनके तैयार है, इसके मसाले के साथ में। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे मीडियम स्पाइसी बनाया है। अगर आपको मेरी ये पनीर कोल्हापुरी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।